एक्स मुस्लिम वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अनोनिमस भाई जो के इस्लाम को लेकर कंफ्यूज है और दूसरे स्टूडेंट मोमिन जो गलती जानकर भी इस्लाम के कोर तक जाने की बात करते हैं और एंड में मोमिना जो एक्स मुस्लिम हो चुकी है जिनको सुन के आपको मजा आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं साहिल और एडम के साथ धमाकेदार एपिसोड। ये कैफ भाई को थोड़ा बैकस्टेज कर दो फिर, कुछ जिहाद नहीं करते क्योंकि उस दिन एडम साहब की स्ट्रीम में कोशिश हुई थी लेकिन वो कर नहीं पाए। जी एनोनिमस भाई, कोशिश नहीं हुई थी, फुल जिहाद कर दिया था, वो तो शुक्र है स्क्रीन कवर थी। हाँ मतलब वो उसकी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई ना। इनऑडिबल? एग्जैक्टली। यस यू आर ऑडिबल सर, आर यू मुस्लिम? या अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। हिंदी आती है सर? अंग्रेजी है? अंग्रेज है या हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी तो सर हिंदी स्ट्रीम है, उर्दू स्ट्रीम है, हिंदी उर्दू स्ट्रीम। कोशिश आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हिंदी उर्दू में बात करिए। जी सर। सर मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। अच्छा आयतुल कुर्सी सुना दे सर। सर आयतुल कुर्सी नहीं आती, सब तैयार सुन लो। अत्तैयात सुना दे। अत्तैयातुल्लाहि वसलवातु वत्तैयबातु अस्सलामु अलैका अय्युन नबी रहमतुल्लाहि वबरकातुहु थोड़ी गड़बड़ी की लेकिन ठीक है, आप मुस्लिम तो है। जी जनाब आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ बट मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ कि रसूलुल्लाह ने कभी कभी मतलब पर्सनल फैसले लिए हैं अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि ये वाला और एक और बार एक और वो जो शादी की थी, लाइक अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी ने प्रपोजल दिया था शादी करने के लिए, तो उन्होंने बोल अपनी बेटी के लिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं करने के लिए। तो अगर आप ये वाह भाई वाह साहिब, नहीं 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 पहले इनको यार इनको अप्रिशिएट करें यार, अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए मोहम्मद ने अल्लाह की दो कमांडमेंट्स तोड़ी, दूसरी कमांडमेंट इन्होंने बताई और कई तोड़ी, लेकिन मैं इन्हीं तक रहूंगा जो इन्होंने बोला कि एक बंदे को चार शादियों की इजाजत है, लेकिन अली को दूसरी किसी भी शादी से मना कर दिया था कि जब तक फातिमा तुम्हारे साथ है तुमने दूसरी शादी नहीं करनी क्योंकि मेरी बेटी को दुख मिलता है। तो दुनिया की बेटियों को दुख मिले कोई मसला नहीं है, मोहम्मद की बेटी को दुख ना मिले, दैट इज ऑसम भाई, तो बड़ी जबरदस्त है भाई, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट दैट। तो इसका मतलब है आपके नबी जो है वो अल्लाह के अहकामात को पूरे तरीके से नहीं मानते थे, उसमें रद्दोबदल कर देते थे जब अपने लिए बारी आती थी। तो ये तो पता नहीं, बट हाँ उन्होंने ये फैसले लिए हैं। आपने कहा है, आप ही ने कहा है यार। बिल्कुल जी बिल्कुल, कभी कभी उन्होंने अपने पर्सनल फेवर किया उन्होंने, एंड जी तो इस बात को तो मैं इससे एनोनिमस साहब इससे तो फिर ये साबित होता है ना कि ही वाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन पावर। हाँ तो कभी कभी तो लगता है जैसे हदीस का कुछ रेफरेंस है, आई बिलीव इट, तो मतलब वो बेस्ट रोल मॉडल नहीं हो सकते राइट? हाँ क्योंकि अब जहां तक I'm a Muslim, but जब हदीसों को पढ़ता हूँ तो एज अ टॉक अबाउट स्लेवरी, तो जैसे स्लेवरी है तो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, जैसे चाइल्ड मैरिज अलाउड है इस्लाम में ये सब चीजें, तो बात हदीसों की नहीं है ना। अगर स्लेवरी की आप बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो ये तो कुरान भी इंडोर्स करता है या परमिशन देता है आपको। जी 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 है ना, बिल्कुल। कुरान के साथ भी आपका मसला होना चाहिए, है ना भाई? जी जी जी। तो फिर आप मुसलमान क्यों है फिर? अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को पुख्ते सबूत चाहिए कि मतलब मतलब कि एक प्लेस पे आना चाहिए। क्या पुख्ता सबूत? क्या पुख्ता सबूत आपको मिलने पर वो फाइनल मतलब ये होगा आपके लिए कि भाई खत्म, अब आगे नहीं? जी जैसे एक डाउट है वहाँ पे, जैसे कि एडम भाई ने एक स्ट्रीम किया था वो जमीन वाली पे, कि जहाँ पे इब्ने अब्बास का कॉल था वो नून मछली वाला, जो नून मछली है वो बहुत बड़ी है, वो अर्थ के नीचे है, समथिंग ऐसे कुछ। ओके हाँ, तो प्रॉब्लम क्या? तो जैसा कि इब्ने अब्बास ने उसमें उन्होंने अपना खुद की मतलब इंटरप्रिटेशन डाला है शायद। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है लेकिन? तो अगर रसूलुल्लाह ने वो बात बोला होता तब मतलब होती ना मोमिनों के लिए एक। नहीं तो रसूलुल्लाह ने तो उससे भी खतरनाक खतरनाक बात की है ना भाई। अच्छा कोई बात, एक सेकंड से। तो ये सिर्फ वही चीज है जिसकी वजह से तुम्हें मसला है, जो अभी तुमने दो बातें की उसमें मसला नहीं है।
उस पे भी ओके उसमें तो वो भाई, जी अच्छा जी इब्ने अब्बास की चीज को साइड पे भी रख दो तुम, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? साइड पे रखो, मैं जो उस पर बहस नहीं करता तुमसे, ठीक है? हालांकि उस जी पर भी जी बहस बनती है कि मोहम्मद ने उसको मना नहीं किया, और वो हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है आज भी, और अर्ली लोग मानते रहे हैं, क्योंकि इब्ने अब्बास जो है मोहम्मद का कजन था, और उम्मत को सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम उसी ने किया हुआ है, और सारी जी तफासीर जी उसी ने लिखी है। तो बेसिकली इब्ने अब्बास ने भी अगर रवायत की है तो चलो ठीक है, गोली मारो उसकी रवायत को, गोली मारो। आप मुझे ये जी बताओ कि मोहम्मद ने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी क्यों की? और शायद आपका अल्लाह मतलब कुरान में ये कहता है कि हाँ मुझे पता है या मोहम्मद, तू अपने दिल में जो चीज छुपा के रखा हुआ है और तू नहीं बयान करता, मैं बयान कर देता हूँ आज से ये, क्योंकि अब जैद की इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। बीवी आईफोन है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कि जैद की अब इससे जरूरत पूरी हो चुकी है। लाइक बीवी क्या है, माल है कोई? जरूरत पूरी कर ली जैद ने जितनी भी करनी थी, वो माल ने जरूरत पूरी होगी, बाबा खत्म। आप पकड़ के जो है ना जैद को ठोक ठका दो, बीवी को ठोक दो, किसी और को दे दो। जी, तो आखिर वो वजह क्या थी शादी करने के लिए? शायद मतलब उनका कोई पर्सनल इशू था ना, जाके लाइक तफसीर जैद देखो को। ना, कौन सा पर्सनल इशू था? तफसीर देखो क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद जैद के घर जाता है, अपने बेटे के घर जाता है, उसको उसकी उसकी बीवी जो है वो कम कपड़ों में नजर आती है, मोहम्मद का दिल अच्छा पिघल जाता है। मोहम्मद कहता है सुभान अल्लाह मुकर्रिबुल कुलूब, ओ सुभान है वो जात जो दिलों को फेर देती है, ऊंचा सा बोलता है उसकी बीवी के सामने। वो बीवी आती है, वो जैद को कहती है देख तेरा तेरा मुंह बोला बाप ये कह के गया मेरे को। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुझे तलाक दे जी देता हूँ, मैं तो तलाक दे देता हूँ मोहम्मद, मैं तलाक दे देता हूँ इसको, तुझसे शादी कर लिया। मोहम्मद को तकलीफ हो गई, यार ये तलाक दे देगा मैं शादी करूंगा, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया तो कहेगी तूने अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है, दुनिया तो मुझे कुत्ता कुत्ता करेगी, जलील करेगी। फौरन से पहले मोहम्मद जिब्राइल को देता है, जिब्राइल आ जा भाई। जिब्राइल आ जाता है, जिब्राइल फौरन आता है, कहता है मोहम्मद जाओ से शादी कर ले, तूने अपने दिल में जो बात छुपा के रखी थी अल्लाह उसे अय्यां कर देता है, आज से कोई भी मुंह बोला बेटा नहीं है, जाओ जाके अपनी मुंह बोले बेटे की बहू से शादी कर लो, बीवी से शादी कर लो। लाइक आपको लगता है कि वाकई अल्लाह ने जिब्राइल भेजा होगा कि मोहम्मद ने वो खुद को नौकरी भी की होगी? एडम साहब एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि शादी कर लो, नहीं शादी हो कर दी, गई। हाँ अल्लाह ने करवाई, अच्छा अल्लाह ने करवाई, अल्लाह कहता है कि मैंने करवाई। और जैनब जो है वो इस बात पे बहुत अतराती थी, आयशा के साथ बहस हुई थी इन दोनों की, और वो बड़ी अतराती थी, कहती मेरी शादी तो अल्लाह ने आसमानों पे की है, कुरान के अंदर है। मतलब ये मतलब आप चैप्टर बता सकते हो, वर्सेस कौन सी वर्स है ये? नहीं पहले ये बताएं आपने पढ़ी है कभी जिंदगी में, मैं फिर आपको सारा जी एक्सप्लेन जी कर देता हूँ। आपने बात खुद पढ़ी है जी कभी? जी मैंने मतलब आपका देखा था स्ट्रीम, और मैंने बस वही देखा था, आपने दिखाया था हदीस। चलो जी चैप्टर नंबर 33 खोल देते हैं यार आपके लिए, चाहे यार आप भी क्या याद करेंगे किस रईस से पाला पड़ा। लेकिन भाई अच्छे है हमारे, वो फालतू ये नहीं है कि फालतू भाई गिरी नहीं करते जी। जबरदस्ती चीजों को तोड़ मरोड़ना। ए नबी, जब आप कहते थे इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया कि अपनी बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो, आप अपने दिल को छुपाए हुए थे, आप अपने दिल में छुपाए हुए थे, वो बात कौन सी बात दिल में छुपाए हुए थे? वो मटुन हो गया था उसमें, शादी करने के लिए वो बात जी जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था, तो आप लोगों से डर रहे थे कि मैं लोगों से डरूं? डरना भी चाहिए यार, मेरा बेटा है जैद बिन मोहम्मद उसका नाम था, लोग उसे जैद बिन मोहम्मद कहते थे, जी अपने बेटे की बीवी से जी कैसे कर जी सकता है? हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा डर, अल्लाह से डर, आप इसे डरे। बस जब जैद ने अपना ताल्लुक मुंतका कर लिया, मुनकता, बहुत बकवास की है इन्होंने, बहुत बकवास की है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखें, सो वेन जैद हैज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर हर, जब जैद को उसकी कोई जरूरत नहीं रही, अगर आप अरबी में भी देखें ये देखें, फलम्मा कजा जईद मिनहा ठीक वतरन जौज जवज न कहा, तब हमने तुम्हारी शादी कर दी उसके साथ, तब हमने अच्छा तुम्हारी शादी कर दी, ताकि मोमिनों के लिए इनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे। लो जी अब मुझे बताओ, जैद की तो वो बीवी थी, तलाक भी नहीं हुई जी भी, ऐसा भी नहीं है कि जैद ने बहुत पहले तलाक दे दी हो। मोहम्मद अब इसकी तफासीर में चले जाओ, मोहम्मद अपने बेटे के घर में गया, बेटा घर में नहीं है, सामने बीवी कम कपड़ों में, अच्छा तब अब क्या तो करूं? गवाह भी नहीं होंगे, गवाह भी नहीं होंगे इसके, मतलब तो जो शादी के अल्लाह लिए ने तो गवाह करा होते दिया हैं। भाई अच्छा गवाह क्या चाहिए ओके मतलब वो खर्चे अर्चे का और वो गवाह शवा का कुछ मुसीबत रखा ही नहीं रसूलुल्लाह ने, 2 स्टेप आगे ठीक है। गए मैं वो। जी जी ठीक है, मैं इसको और पढ़ूंगा, लेकिन हाँ जैसे प्राइमरी फेस लग रहा है कि लाइक लग क्या रही है, वही है चीजें जो लिखा है। एडम भाई एक और बात पूछे प्लीज, कि वो मतलब
मतलब जैसे मैंने अपने मुफ्ती से पूछा बहुत बार कि जैसे स्लेवरी थी, स्लेवरी के बारे में, तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जो औरतें जो जंग में आती थी उन्हीं को स्लेव बनाया जाता था। क्या ये सिर्फ ऐसा है? क्योंकि मैंने पढ़ा, लेकिन कहीं पे मारिया किप्तिया जंग में आई थी, वो तो तोहफे में मिली थी मोहम्मद को। महाबूर जंग में क्या आया था, वो तो तोहफे में मिला था मोहम्मद को। अच्छा, तो अगर जंग में ही आती थी तो आप अपनी औरतें बेचते क्यों थे, गुलाम बेचते क्यों थे? नजद के बाजारों में बेच के तलवारें और घोड़े क्यों खरीदते थे? तो भाई जान, जंग में आती थी, ये आप लोगों की बात की मुसलमानों की किल क्लैन है, बाजारों में जी बिकती थी। और आपके हजरत उमर के थ्रू और उस्मान के थ्रू ये रवायात है किस तरीके से वो उनकी थाइस को हाथ लगा लेते थे देखने के लिए, परखने के लिए, उनकी छातियों पे हाथ लगाते थे देखने परखने के लिए। एक स्लेव जो है उसकी सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट, टांगों के बीच वाला जो सुराख है, जी उसको नहीं जी टच कर सकते जब तक आपने खरीदा नहीं। बाकी हर जी जगह पे हाथ जी लगाते थे, उसके थनों को जी जी परखते थे, जैसे बकरी को खरीदते हैं उसके थनों को हाथ लगा के देखते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है। ठीक है, उस तरीके से आप लड़कियों के थनों को हाथ लगाते हो, उनकी थाइस पे हाथ रखते हो, कई दफा दिखाया हुआ है। तो भाई अगर ये सिर्फ जंग में ही थी तो भाई आप उनके साथ शादी करते, सेक्स करके उनको बेचते भी चाहते क्यों थे? जी हाँ और मोहम्मद को, वो मोहम्मद की बात, जो मेन स्लेव थी मारिया किप्टिया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो उसने जंग में नहीं ली थी, वो तो तोहफे में मिली थी गिफ्ट हाँ, के शायद तौर उन्हें पे। कोई इजिप्ट के कोई राजा या फिर किसी ने दिया था शायद। जी जिस जी तो फिर हबशा के, तो भाई तो फिर वो तो दो नंबर ही है भाई। कौन सी जंग मतलब जंग में जैसे कि वो लड़ने आती थी, मतलब यार, ऑफेंस औरतें या कब डिफेंस लड़ती के लिए, थी? औरतें लड़ती नहीं मतलब थी, ऐसे औरतें पानी पिलाती थी और जख्मियों की देखभाल करती थी। ठीक है, आपने जंग में मर्द मार दिए, उन औरतों को लेके चले जाते थे माल्या गनीमत के तौर पे, और जो मर्द आपके हाथ लगते थे उनको भी आप मार मुर देते थे, या उनको आप एक्सचेंज के तौर पे यूज करते थे कि जो जी आपके जी लोग पकड़े गए एक्सचेंज। हैं वर्सेस उनको एक्सचेंज करो, औरतों के साथ सेक्स करो। औरतें आप एक्सचेंज के तौर पे भी यूज नहीं करते थे। अच्छा, तो इसमें एड एक हमें पॉइंट प्लीज एडम साहब, जी एक जी चीज मैं और ऐड कर दूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई जंग में आ रही थी तो इस वजह से उनको देव बनाना जायज है या नॉर्मल है या जस्टिफाइड है, तो उस हिसाब से क्या मोमिन हजरात और मुफ्ती हजरात जितने हैं वो इस बात को भी कबूल करेंगे कि इसी पैमाने को रखते हुए अगर मुसलमान औरतें भी जंग में आती है और उनको स्लेव बनाया जाए, उनके साथ सेक्स किया जाए, उनको बेचा जाए, तो ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज मानेंगे मुसलमान औरतों के लिए भी? जी लाइक अगर आप, मैं खुद की बात करूं तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता स्लेवरी को, जो आप जो भी अच्छे था वो। इंसान है ना भाई, आप अच्छे बट इंसान है ना, जी, बाकी अब उन लोग क्या लोगों का इस पता चीज नहीं, को एक्सेप्ट बट करेंगे कि मुसलमानों, मुसलमान औरतों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो जस्टिफाइड है? क्या वो मानेंगे इस बात को? वो तो साफ नहीं कहते। वो एक बहाना हो जाएगा ना कि सर कि जैसे कि जो औरतें हैं वो तो जंग में जाती नहीं है मुसलमानों की। मैं बताता क्यों हूँ, नहीं चलो जाती, ये क्यों नहीं एक, जाती, ऐसे ऐसे क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? आयशा गई नहीं? मतलब आयशा, उसके अलावा कई औरतें मुसलमानों की जाती हैं जंग में भाई, जख्मियों की देखभाल और पानी पिलाने का काम करती ही औरतें थी हमेशा जंग में। आयशा तक गई है, आयशा को लास्ट टाइम रोक दिया गया था कि 14 साल की उम्र में अभी तुम छोटी अभी मत जाओ, उसके बाद चले जाना, और फिर वो गई। और फिर आपके जो घोड़ों की लड़ाई, ऊंटों की लड़ाई जंगे जमल, उसकी तो लीड की है आयशा ने, तो कैसी अच्छा, बातें कर रहे हो यार? ये देखो डोंट टेल एनोनिमस मी। साहब, ये जी आपके जी सामने हदीस है, ये है, कौन सी है? ये सही बुखारी की 4141, क्या कहती है? Whenever Allah's messenger intended to go on a journey, he used to draw lots amongst his wives, and Allah's messenger used to take with him the one on whom lot fell. He drew lots among us during one of the ghazwat which he fought. The lot fell on me, and so I proceeded with Allah's messenger after Allah's order of wailing had been revealed. तो भाई ये तो जा रही है जंग में। अच्छा जी, तो मोहम्मद की बीवी, अगर अगर मोहम्मद हारता और उसकी बीवी कब्जे में आई थी तो फिर उसको भी स्लेव बना लेते ना। हाँ तो फिर ये तो रूल था, तो तब उनको एक्सेप्ट करना रूल चाहिए था ये सब ना। चीजें। तो मुझे बताओ, यजीद ने जब इमाम हुसैन को वहां पे हराया, तो वहां पे जो आपके मोहम्मद की आल की औरतें थी जो बच गई, उनके साथ यजीद ने अपने साथियों को क्यों नहीं बांटा? इसका मतलब है यजीद जो था वो ज्यादा इज्जतदार किस्म का शख्स था, ज्यादा अच्छा इंसान था आपके मोहम्मद की निस्बत। यजीद को गालियां मत दिया करो, उसने आपकी मुसलमान औरतों और मोहम्मद की आल को जलील नहीं किया जैसे मोहम्मद ने दूसरी औरतों को जलील किया। जी, जी, क्या बचा है फिर हाँ एनोनिमस सही बात है। साहब, बचा क्या है अभी? बच्चा क्या छोड़ है, दे अब इस्लाम, कुछ छोड़ दे, नहीं, कई सारी छोड़ दे। चीजें तो आप कह रहे हैं गलत है, तो बचा क्या है फिर? नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना वो सब चीजें।
हाँ, तो एक्सेप्ट करो तो फिर इसमें रहते क्यों, इतने गंद में हो क्यों? अगर आपको पता लग गया है कि ये गंद है तो फिर गंद में क्यों हो? सर, एक्सेप्ट करना और रहना लाइक इट्स इंटरनल थिंग, तो रहना या ना रहना जैसा किसी इंटरनल को थिंग। ओके चले ठीक है भाई जान, ये इंटरनली ये गंद में रहना पसंद करते हैं साहिल भाई। नहीं साहिल भाई, मैं थोड़ी देर आई एम बाद आता सेइंग हूँ, इंटरनली, आप आई एम गपशप सेइंग लगाए, मैं आता हूँ। भाई एनोनिमस भाई, आप सोचो कि आपको मालूम है ये गंद है, मैं गटर में हूं, और आप कहोगे कि मेरी चॉइस है मैं गटर में रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं ना, आपको एक समझदार इंसान नहीं कहा जाएगा ना फिर। जी, बिल्कुल। अगर कोई भी रिलीजन है उसमें एक भी कमी है तो इट्स नॉट मतलब सही रिलीजन, ये बात। और खास करके इस्लाम के साथ ये मामला है कि ये तो कहता है कि एकदम परफेक्ट हाँ, सीधी बात है, है ना, पहले ये मैं तो डॉक्टर और जी, बड़ा मसला हो जी गया। दी परफेक्ट अगर वन, इस्लाम ये कहता है कि भाई वक्त के साथ अपने आप को जो है वो अपग्रेड करो, अपडेट करो, तो कोई मसला नहीं होता, हम भी यहाँ पे स्ट्रीम करते नहीं बैठते। जी वो तो बिल्कुल, कहता है कि भाई ये परफेक्ट है, इसमें ना ऐड करो ना डिलीट करो। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे कोई भी नियम या कानून होते हैं उसमें तो चेंजेज, नए नए चीजें लानी जरूरी होती है जमाने के हिसाब से। बिल्कुल तो इन दैट सेंस अगर 14 साल पहले की जो भी बातें हैं अगर सारी की सारी अगर अभी के दिन में अप्लाई किया जाए तो वो सही नहीं होगी ना, जैसे वो आउटडेटेड है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो कुरान जो है वो चार गवाह लाने के लिए कहता है, जी अब बिल्कुल चार बिल्कुल, गवाह नहीं है, सीसीटीवी में कैद है, तो अब क्या उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा? सीधी बात है, ये तो फिर वो आउटडेटेड है ना भाई। आउटडेटेड है, सवाल ही नहीं उठता। तो अब बताइए, फिर से आपसे सवाल है, ये जब आपको पता चल गया है कि ये गटर है तो इसमें रहने का क्या मतलब बनता है? अच्छा ये भी नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी कोई खुली हुई है, आपका ना नाम है ना कुछ है, तो और वॉइस तो ना है ना हम भाई, ये कह रहे हैं जी। वॉइस वॉइस अरे भाई लाखों, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, हम आपको जो है वो इस बात के लिए कुछ फोर्स नहीं करेंगे, हम समझ गए आप क्या समझ रहे हैं, और ये एक बड़ी जी, दुख की बात है हमारी गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए भी, कि एक इंसान जो चीज को गलत मानता है उसके बावजूद भी वो कन्फेस करके उस चीज को छोड़ नहीं सकता। मुझे नहीं पता हमारी बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे कानून लाएगी लाएगी कि भाई एक इंसान जो है जो गलत साबित हो जाए और उसको पता चल जाए गलत है, और वो छोड़ना भी चाहता है लेकिन इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है कि लोग उसको जो है मार देंगे या उसका नुकसान पहुंचाएंगे या उसका बॉयकॉट करेंगे, जी इस डर के वजह से नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे जैसे जो हमारा जो देश है भारत, ऐसे देश में अगर ये चीजें हैं तो ये बड़े दुख की बात है, और मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसे केसेस को लेकर इस पे थोड़ा स्टडी कर कर कुछ अच्छे कानून, एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ अलग से लाना चाहिए ताकि लोग जो है डरे नहीं अपना इस्लाम डिनाउंस करने के लिए। सर एक्चुअली ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि लाइक ऐसे लॉ लाएं जो मतलब बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करे, वोट बैंक की भी बात है इसमें, आई थिंक नहीं सो। लेकिन ये वो वोट बैंक हो या कुछ भी हो, देश आगे है ना भाई, हाँ वो नागरिक तो आगे बात है और इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है। है, साहिल भाई चलिए आप एक बात बोलना चाहूँगा जी सर, एक जी मेरा जो मेन रीजन है मतलब लॉजिकल थिंकिंग है, जो भी आप बोल लो कि मतलब सही तरीके से सोचना, पहले मैं भी लाइक बरेलवी अहले हदीस अभी जो भी हूँ पता नहीं, तो ये मेन रीजन जैसे बोलते हैं लोग कि डॉक्टर जाकिर नायक मतलब इस्लाम में लाता है, बट बस मतलब मेरा जो चेंज हुआ व्यू उसी के वजह से हुआ, क्योंकि वाह बिल्कुल आई यूज टू मतलब मैं उसको बहुत देखता था, लाइक आई वाज सो फैन, लाइक बहुत बड़ा फैन उसका, मतलब मेरे वॉलपेपर पे भी उसके पिक्चर रहते थे कभी कभी, बट लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो पीस टीवी हाँ में जो वही ऐड वही आता था उसका, हाँ वही वाला वही उस वाला पीछे वो बिल्डिंग वाले आग पिक्चर के छींटे गिर रहे हैं और वो घूम के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा वाला तो आपने भी लगता वॉलपेपर लगा के रखा जी। था। तो एक दिन ना पता है लाइक डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया था ना दहाहा या समथिंग, जो जिसका मतलब ऑस्ट्रिच काटना या जो भी, जी बट मैंने जब कुरान को मतलब पढ़ा तो जितने भी ट्रांसलेटर थे हिंदी उर्दू सारे, उन्होंने कहीं पे भी ये ट्रांसलेट नहीं किया था, मेरे को लगा यार ये आदमी एग्जैक्टली कैसे बता रहा है, तो फिर आई जस्ट मतलब कुछ रिसर्च मतलब उसका मीनिंग यहीं पे खोजा, कहीं पे नहीं मिला, फिर वहां से मेरे को लगा कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर वहां से मैं स्टार्ट हुई, फिर आप लोगों के चैनल को देखा मैंने, एंड राइट नाउ मतलब मैं अभी भी तालिबे इल्म या जो भी बोलो आप मतलब वही कर रहा हूँ रिगार्डिंग दीन एक कभी कभी, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस बिल्कुल
स्टडी पे अब रहती है, मेरे पहले नहीं रहती थी। भाई जो है, जैसे कि मैं जाकिर नायक का फैन था एक वक्त में, उसी तरीके से भाई भी, मैं इतना बड़ा भी फैन नहीं था जाकिर नायक का कि उसकी फोटो जो है अपने वॉलपेपर पे लगाऊं मैं, लेकिन ये भाई इतने बड़े फैन थे कि ये उनकी फोटो लगा के रखते थे अपने मोबाइल पे। लेकिन एक लॉजिकल इंसान जो थोड़ा सा जिसके अंदर लॉजिक है, रीजनिंग अगर उसकी अच्छी है, तो ये जाकिर नायक के मानने वाले खुद उसको गालियां देके बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी लॉजिक इतनी बेकार, इतना झूठ, इतना धोखा देता है। अगर एक लॉजिकल इंसान होगा तो बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा उसको कि ये धोखा दे रहा है। तो थैंक यू सो मच एनोनिमस भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोमिन हजरत को कैफ पठान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, चलो शुक्र है आपकी आवाज आ गई। सर मोमिन है? जी जी सर। अरे सर, वो आप बात चल रही थी तो मैं थोड़ा सा काम बिजी हो गया था, जब तक आपने ऐड कर लिया तो देख नहीं पाया था, सॉरी। कोई नहीं कोई नहीं। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। आयतुल कुर्सी तो नहीं याद है मुझे, क्या याद है? रमदो सुना सकता हूँ, वो भी रट लिया मैंने। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इयाका नअबुदु वइयाका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। सर देखो, मैं बताऊं, मैं मोमडन हूं, बट मैंने बहुत ज्यादा सी प्रैक्टिस नहीं है ना, मैं ऐसी फैमिली से रहा हूं, तो ये भी जो कुछ आयत वगैरह याद की है तो मैंने रट ही लिया, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से इनका कुछ मतलब समझ में नहीं आता था, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होता था। नमाज वमाज नहीं पढ़े आप कभी? नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ नमाज के लिए ही कुछ आयतें याद कर ली थी मैंने। तो सिर्फ अलहम से नमाज नहीं होती ना भाई, नमाज भी पढ़ने के लिए आपको दरूद आना चाहिए, अलहम के सिवा दो तीन सूरे आना चाहिए। सर क्वेश्चन तो मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ कि जैसे मुझे अरबी वगैरह, क्या अल्लाह को क्या ये अरबी या अरबी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? वो तो सारी लैंग्वेज उनको आने चाहिए, जिस लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी बोलता हूँ, तो हिंदी में उनकी तारीफ करना, जैसे कि बाद में मैंने पता पड़ा जो जितनी भी आयतें वगैरह हैं सारी आयतों में अल्लाह और रसूल की ही तारीफ है, तो ये चीज तो मैं हिंदी में ही बोल सकता हूँ नमाजों में, तो ये चीज तो। लेकिन आप एक काम करिएगा कैफ पठान साहब, थर्सडे को मेरी स्ट्रीम रहेगी आफ्टरनून में 12:30 बजे, आप तब आके बात कर लीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप सर थर्सडे थर्सडे अच्छा 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 ठीक है भाई, प्यारे भाई ठीक, ओके सर। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, आपने सुना नहीं? नहीं, आपकी तभी आवाज नहीं आ रही थी जनाब। अरे मियां, मैं इतने मेरा तो पूरा, चलो कोई नहीं, मुझे तो मिलेगा सवाब। अल्लाहुम कयूम लालु किंसबुल वल कौम रहमा फिस समाफती वमा विल अर्ज मन मल जी यस्फ इंदुल्लाह इल्ला भी इज नहीं यवलमु मा बैना एदिहिम वमा खल्फुहुम वया फुल्दु। अरे क्या सुपारी अटक गई क्या अलग में? भाई मेरी थोड़ी आज खराश आ रही है, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत दिन से पूछना चाह रहा था कुछ। तबीयत खराब है तो उसमें आयतुल कुर्सी आदमी गलत कैसा पड़ेगा? आप जो अभी बात कर रहे हो नॉर्मल कर रहे हो, आयतुल कुर्सी की आपने बैंड बजा दी। मैं दूसरी आयतें सुना सकता हूँ। ये अरबी पढ़ने आती है? अरबी 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 पढ़ने आती है? अरबी में मेरे वहाँ, मैं शुरू के एक वर्ष में गया था मदरसे, वहाँ मैंने उन्होंने सिखाया, लेकिन फिर बाद में प्रैक्टिस रही नहीं मेरी, तो मेरे अब्बा जान ने बताया था मुझे, उन्होंने, उनको बहुत अच्छी आती है। सर अरबी पढ़ने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अगर आपने अरबी सीखा हुआ है कैसा पढ़ते है? जैसे अभी इंग्लिश समझो, मैं इंग्लिश सीखा हुआ हूँ ठीक है, इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अरे रुक जा भाई, अमानत भाई थोड़ा रुक जा, अभी जैसे मैंने इंग्लिश सीखा हुआ है ठीक है, ABCD और उसको वर्ड्स को कैसे जो है वो तो प्रोनाउंस करना है, ये मैंने अगर सीखा हुआ है, अब मैं बिल्कुल जो है 10-12 साल कुछ संस्कृत बोलने वाले लोग के साथ रहता हूँ या बंगाली बोलने वाले लोग के साथ रहता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इंग्लिश जो है वो पढ़ना भूल जाऊंगा? पॉसिबल है? हाँ, अगर मैंने कोई पोयम याद की हुई है इंग्लिश वाली और मैं 10 साल तक उसमें था ही नहीं, हो सकता है पोयम पढ़ना भूल जाऊं,
लेकिन नहीं भाई, इंग्लिश लेकिन वर्ड्स मैं रीड कर पाऊंगा। आप तो डेली उठते बैठते इंग्लिश देखोगे, तो आप दुनिया में जहां भी जाओगे इंग्लिश दिखेगी ना आपको। बंगाली ले लो भाई। अरे भाई हिंदी देखो, मैं अगर देखो हैदराबाद एरिया में रहा, फिर मैं बिहार में रहा, फिर मैं बहुत जगह रहा मैं, लेकिन मेरा तो यूपी से वास्ता है। तो अब आप देखो, अब आपको अरबी दिखेगी तभी तो आप पढ़ोगे ना। अब जैसे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ना सीख लेते हो, ठीक है, रीड करना सीख लेते हो, उसके बाद आप कितने साल का भी गैप हो जाए, आप उसको रीड करना नहीं भूल सकते हो। उसकी बातें आप भूल सकते हो, उसके कवानीन आप भूल सकते हो कि भाई ये नहीं। तो मैं रीड करना उतना नहीं सीखा ना, फिर शुरू में बस एक वर्ष ही सीखा था। एक बरस बहुत होता है भाई। आपको ना अरबी पढ़ने आती है, आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती है, आपको आता क्या है? मैं आयतुल कुर्सी सुनाया ना अभी आपको, सुनाया ना उधर? नहीं, आपने सही नहीं सुनाया ना। तो मैं कौन सी आयत सुना दूं? दरूद इब्राहिम सुनाओ भाई। जब आपको कुछ भी आता ही नहीं है, दरूद नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप इस्लाम को डिफेंड रबिल आलमीन अर रहमान रहीम मालिक। ये दरूद है क्या? ये दरूद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रबिल आलमीन नहीं, ये तो मैं सूरह फातिहा बोला ना, पढ़ रहा हूँ मैं, वो आपने बोला। मैं बोल रहा हूँ दरूद सुना दो। दरूद भाई, दरूद तो नमाज के समय ही पढ़ते है ना। हाँ, तो नमाज नहीं पढ़ते हो? मतलब रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ ना। अरे कभी कभार जुम्मा पढ़ने वाले को भी दरूद याद रहता भाई। चलो दरूद ही सुना देता हूँ। तो दरूद मतलब पूरा सुनाना है क्या? वो तो लंबा होता भाई। जा भाई यार, तू जा यूट्यूब से देख, क्यों दिमाग खराब कर रहा भाई। हाँ भाई, आप मुस्लिम है? यस सर, आई एम मुस्लिम, आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट है, मुस्लिम है, ओके। आयतुल कुर्सी आती है? यस सर आती है। आयतुल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम अल्ला ता खुजु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज मन ज़ अल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही मा बैन अयदीही। थोड़ा गड़बड़ी आपने कर दी थी, ठीक है, लेकिन आप मोमिन है, इतना तो कन्फर्म हो गया है। जी भाई, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, मेरा कुछ सवाल था आपसे। नहीं, पहले आज के टॉपिक पे बात कर लेना, फिर आपका सवाल भी ले लेता हूँ। हाँ हाँ, आपकी ये बात। अगर कोई किसी पे जिना की तोहमत लगा था या एक्यूज करता है उसको, तो उसके लिए कितने कितने गवाह चाहिए? जिसको सजा देने के लिए, उसको सजा देने के लिए जिसके साथ बुराई हुआ है और जिसने देखा है। तो कितने गवाह चाहिए उसके लिए? सर मेरे को अंदाजा नहीं है ये सब चीज। आपको अंदाजा नहीं है? आपने इस्लाम की मालूमात नहीं ली है? मैंने उतना नहीं लिया मेरे घर में, लेकिन इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सर। आप क्यों फॉलो कर रहे हैं जब आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है? मैं इस्लाम को फॉलो बस उसके अच्छे चीज के लिए करता हूँ। मैं नॉनसेंस वाला चीज फॉलो कभी नहीं करता, चाहे वो कोई भी धर्म का। और अगर आपको इस्लाम में नॉनसेंस चीजें बता दूं तो छोड़ देंगे फिर? नहीं, मैं इस्लाम को क्यों छोड़ूंगा, मैं इस्लाम के अच्छा चीज पे अमल करूंगा। क्या इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप ये अपनी सोच रखो कि इस्लाम में अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है? हाँ देखिए सर, धर्म में तो दोनों ही चीज होती है, बुरी भी होती है अच्छी भी होती है। नहीं, क्या इस्लाम आपको, इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है या इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि इसमें अच्छी चीजें भी है बुरी चीजें भी है, आप अच्छी चीजों को मानो और बुरी चीजों को छोड़ दो? क्या इस्लाम में है ये? सर मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं है सर। एग्जैक्टली, इस्लाम के हिसाब से इस्लाम परफेक्ट एकदम। हाँ वो तो मैंने भी सुना है। हाँ, तो फिर परफेक्ट अगर है तो उसमें बुरी चीज का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ हाँ, एकदम सही बात है ना। और अगर मैं बुरी चीज आपको दिखा दूं तो उसका जो परफेक्ट होने का दावा है वो झूठा हो जाएगा। हाँ, मैंने देख चुका हूँ आपका वीडियो, मैं भी देख चुका हूँ पहले भी। बुरी चीज़, क्या क्या बुरी चीजें लगी उसमें आपको? मुझे सबसे वाहियात चीज लगी है, नबी ने जब चांद का दो टुकड़ा किया, ना सर ना पैर का बात है ये। और बिना सर बिना पैर की बात है, वेरी गुड। हाँ, और नबी ने 9 साल की बच्ची से शादी किया था।
बिल्कुल गलत बात है ये भी। और ये मतलब ये दोनों ऐसा फैक्टर है जो नॉनसेंस वाला चीज है, तो ये और सबसे बड़ी स्लेवरी, नॉनसेंस, सबसे बड़ी नॉनसेंस चीज है, और भी बहुत सारी है सर। हाँ जब आपको इतनी सारी नॉनसेंस चीज पता है प्यारे भाई, तो आप क्यों टिके हुए हो? मैं जो हूँ इस्लाम को इसलिए अभी हूँ क्योंकि मैं इस्लाम को पूरा तरीके से जानता नहीं हूँ। अब अरे मैं लेकिन आगे अभी अगर, आपने जाना ना कि ये सब बुराइयां हैं। हाँ लेकिन बुराई तो है, लेकिन मैं अगर आगे पढ़ूंगा इस्लाम को और मैं जानूंगा तब मैं अपना ही डिसीजन लूंगा सर। तो इतना तो जान लिया भाई, और क्या जानना है? और मुझे कोर तक जानना है सर। अच्छा कोर तक जानना है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा एक्स वाई जी साहब, आप कोर तक जान के उसके बाद फिर आइएगा। सर लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब तो दीजिए। चलो सवाल करो। सर इस्लाम ही छोड़िए, दुनिया में तो बहुत सारे धर्म है, सब में नहीं, बुराई हम है। उनके बारे में बात नहीं करते। होंगे ओ बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे धर्म होंगे, हम उनके बारे में बात नहीं करते, हमारी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। ओके सर, ओके ठीक, है आगे कोई क्वेश्चन? नहीं तब छोड़ दीजिए, हाँ जी छोड़ दीजिए तब। ठीक। तो अभी जब आप कोर तक जाके रिटर्न आ जाएंगे ना, तब हमसे बात करना प्यारे भाई। बॉबी ठीक है सर, चौधरी भाई कह रहे, अरे साहिल भाई बॉबी से बीवी कर दे। अरे रियली सॉरी भाई, बॉबी भाई, आई एम रियली सॉरी। हाँ मैंने बॉबी को बेबी पढ़ लिया था। माफी चाहता हूँ आपसे। आकाश गांधी कह रहे, साहिल भाई गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग भाई, थैंक यू सो मच। राघव जा कह रहे, ब्रो बताए कि गजिया से नोबी की निकाह क्यों टूटी। हाँ ये बात भी आपकी सही है। कृष्णा सर्विसेज, साहिल भाई ग्रेट जॉब, लाला जी ऑसम है, मौलाना को सही भगाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। किंग फिशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा सर्विसेज कह रहे, साहिल भाई क्या बोलते हो आप, जबरन एक नंबर, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। आलोक शुक्ला, आफ्टर सीइंग साहिल एंड एडम रसूल भी, मैं हूं जो इस्लाम लाया, थैंक यू। लव भाई कह रहे, सर मेरी गर्लफ्रेंड को बोलो मैसेज ना करे प्लीज, वो फैन है आपकी। अरे गर्लफ्रेंड जी लव भाई की मैसेज ना करे। ट्रिप ऑन कार्ड्स, लूज कैनन टर्न आउट टू बी लूज कैनन, ये बात तो सही है, लूज कैनन कभी भी लूज कैनन ही होता है। ब्रिलियंट माइंड साहिल भाई, ख्वाजा का मतलब क्या है बता सकते हैं प्लीज? ख्वाजा जो है वो किन्नर को कहते हैं, ख्वाजा जो है वो किन्नर को कहते हैं, किन्नर को। ब्लैक पिंक कह रहे हैं आ साहिल भाई गया हीरो। फिर गरीब नवाज को खाजा क्यों बोलते हैं? हाँ इसी वजह से वो जो अपना क्या है, जो ये लोग होते हैं अपना वहाबी लोग है, वहाबी मौलवी है, वो यही कहते हैं कि ये तो किन्नर दे, तो इस वजह से जो बरेलवी हजरात है वो काफी चिढ़ते हैं। अच्छा मैं सलून में था, वहां ये ख्वाजा मेरे ख्वाजा इस टाइप की कोई नाद चल रही थी, तो हाँ मैंने उसको पूछ लिया था, मैंने ख्वाजा का मतलब क्या होता है, तो हाँ पहले तो बोल नहीं रहा था, फिर मैं उसको बताया किन्नर को बोलते हैं। अरे बाप रे, ये गर्म हुआ था मेरे ऊपर में, मैं वो सोचा हाथ तो गर्दन काटेगा। ब्लैकपिंक भाई कह रहे आ गया हीरो। फिर मेरा मोबाइल हाँ मोबाइल लेके उसको अपने सेठ को बता रहा है, ये देखे कुरान भी रखता है मोबाइल में, सब उल्टे पुल्टे काम करता अरे रे रे रे, बच के रहना जरा उससे। है। चलो एक हितैषी करके है, देख लेते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम भैया। सलाम, हेडफोन लगाया हुआ है आपने? जी, एयरपॉड्स लगाए। उसका माइक थोड़ा होठों के करीब करेंगी आप? अब आ रही जी सही? जी 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 आ रही है। मोमिना है आप? जी सर। ओके। नमाजे माजे पढ़ती है? जी सर, बट अभी इतनी नहीं पढ़ अभी नहीं पढ़ती? क्यों, रही। अभी माफ होगी नमाज? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ती है? ये आप लोग के वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा ईमान डग भगा गया है मेरा। ओए होए होए होए, कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे यार हमारी वीडियोस देख देख के। कब से देख रही है हमारी वीडियोस? कम से कम मुझे हो गया एटलीस्ट 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना हो गया है। उससे पहले तक नमाजें पढ़ती थी आप? ओके। जी आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी याद है। पढ़ के सुनाइए। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज मन ज़ल लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बि इज़्निही यालमु मा बैना अय्दीहिम व मा खल्फहुम वला माशाओ माशाओ। तो मतलब पूरे टाइम की आप नमाजें पढ़ती थी पहले? जी 5 वक्त प्लस 5 वक्त की तहज्जुद भी हो जाती थी। तहज्जुद भी पढ़ती थी? हिताशी जी जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाजें भी पढ़ती थी, फिर चैनल कैसे मिला आपको? एक तो यूनिवर्सिटी में मतलब ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में दोस्त वोस्त होते हैं तो वो सब चीजें बताते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं। तो मतलब किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि तुम्हें पता है तुम्हारे रिलीजन में स्लेवरी वगैरह होती है? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर जब रेफरेंस दिखाया, फिर वीडियोस, आपका नाम बोला, फिर मैंने वीडियोस देखी है, वो शॉक देयर की ये कैसा, ये चीज तो पहली बार मैंने सुनी है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी आपका दोस्त था जिसने आपसे सवाल किया और आपको वीडियो बताई, मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ। आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। और भाइयों जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि एक छोटे से आपके सिर्फ वीडियो शेयर करने से बहुत मुमकिन है कि वो इंसान इस्लाम छोड़ दे, एक वीडियो शेयर करने से। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियोस, जितने मोमिन हजरात मोमिना वीडियो देखेंगी उनको गंदगियां पता चलेंगी, वो इस्लाम से बाहर निकलेंगी और निकलेंगे। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आप लोग है, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को इन तक पहुंचा रहे हैं, मोमिन हजरात तक पहुंचा रहे। तो इस काम को आप लोग बंद मत करिए। ये अमीर सैफी भाई को बुरी मिर्ची लगी है। हाँ हाँ, ये जी ऐसे मिले आपको? क्या बोल रहे हो आप लोग, समझ नहीं आया। यहाँ पे आने के लिए कि आपको पैसे दिए गए थे? नहीं, मेरे को पैसे नहीं, क्यों मिलेंगे? नहीं, ये मोमिन हजरात को जो है ना वो मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक लग रही है कि भाई ये क्या मामला है, हम तो बेवकूफी के साथ रह रहे थे, अब ये लोगों के वजह से लोगों की अकल खुल रही है तो इनको मिर्ची लगती है। चलो वो खैर ठीक बात है। तो जब आप 6 महीने से देख रही है हिताशी जी और आपने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया, क्या क्या चीजें आपको पता चली जो पहले पता नहीं थी? क्या आपने वो रेफरेंसेस चेक किए और फिर अब क्या मामला है आपका? जी पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेडिकल स्टूडेंट, आई एम डूइंग एमबीबीएस। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन आया ऑफ कोर्स जब मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई करा, मतलब कुछ कुछ चीजें मुझे मालूम थी अपने रिलीजन से रिलेटेड। एंड फिर एक तो औरतों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि हर चीज औरतों पे बंदिश है भाई, ये नहीं करना वो नहीं करना। फिर आपकी वीडियो से मुझे हलाला का पता चला, वो सब चीजें। एंड मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है, मतलब कुछ खराबी हो ही नहीं सकती, मतलब इतना बेस्ट है कि सब लोग इतना कन्वर्ट हो रहे हैं। जब मतलब सुनने में आता था वीडियोस वगैरह डालते हैं ये लोग, मतलब कि इतना पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है, ये वो अली दावा का वीडियो एंड बहुत से मुफ्ती मैंक एंड मतलब काफी सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते, उनके बयान में सुनती थी। बट मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करा दूं, मेरा ऐसा ही मान था उस टाइम पे। अच्छा, मतलब अगर कुछ तबलीग का कीड़ा आप में भी था कि सारे लोग जो जो आपसे इनकाउंटर हो, दोस्त लोग, जी उनको जी भी आपको मेरे, मेरी मेरी एक टीचर थी एंड शी आस्क्ड। अच्छा, आप कुछ बोलने से पहले सिर्फ एक चीज आपको याद दिला दूं कि आप लाइव है, कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताइएगा जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। जी सो बी केयरफुल व्हाट एवर यू आर शेयरिंग। जी जी, आपकी टीचर थी तो मेरी एक टीचर थी एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो वो मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को या तो कुरान का कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो आप मेरे को वो भेजो, या फिर कोई लेक्चर्स हो जो आप मेरे को रिकमेंड करोगे वो भेजो। और वो मेरे से मतलब आंसर जानना चाह रही थी कि तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे रिलीजन में क्या ऐसा अच्छा है और तुमको क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों बिलीव है अल्लाह पे। तो वहां पे मेरा थोड़ा सा मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब हाँ, मैंने कई चीजें कोशिश करी कि अच्छी अच्छी चीजें फिर मैंने शेयर करी चीजें, पर वही वाली चीज है ना कि या तो आपको बहुत ज्यादा पता हो अपने रिलीजन के बारे में कि जो आप एक्सप्लेन कर सको, या आप बिल्कुल लो लेवल पे आपको कुछ पता ही नहीं है
जैसे कि अभी आए थे, जैसे नमाज वमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नमाज की आयतें भी नहीं आता है, या आपका लेवल मीडियम हो कि हाँ आपको आयतें वगैरह आता है, आपको कुरान पढ़ना आता है लेकिन आपको ट्रांसलेशन उसका नहीं पता है. तो मेरा मिड वाला था कि मैं मीडियम थी, मेरे को कुरान वगैरह पढ़ना आता है, मैं नमाज वमाज से पढ़ती थी, बट मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा उस चीज़ को. और मैंने सोचा भी था कि मैं इसके ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, कि मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ूंगी, बट मुझे वक्त ही नहीं मिला कभी, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी चल रही है मेरी फिलहाल. फिर एकदम से आपकी वीडियोस मुझे किसी ने रिकमेंड करी एंड मेरे को ट्रांसलेशन दिखी, फिर मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन खोल के देखी, एक इंग्लिश कुरान थी मेरे पास, तो वो सब चीजें मैच कर रही हैं. तो हाय 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 हाय, हकीकत खुल गई. जी, और मतलब मैंने ऐसे जी, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात शेयर करना बिल्कुल, जो भी आपको मतलब बात अपनी रखनी है. अच्छा ये चीज, लेकिन ये 100% ट्रूथ है ना, ये सत्य है ना, कि मोमिन हजरात ने अपना रिलीजन, अपनी किताबें, अपने रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कभी खुद से पढ़ा नहीं, हमेशा वो अपने मौलवियों के भरोसे पे रहे, और इस वजह से ये बिना पढ़े बिना समझे इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखी है कि भाई हमारा कुरान सबसे बेस्ट है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है. क्या ये बात सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है. आप भी उसी कैटेगरी में थी ना? जी जी, अब तक मैं यही सोचती थी कि क्योंकि सब मतलब जब छोटी थी तो बोलते थे नबी, हम बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मतलब उनके सामने नबी जरूर लगाओ, जी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसे डिटेल में उनके हिस्ट्री नहीं पता करी कि थे कौन वो एक्चुअल, बस हाँ ये पता था कि प्रॉफिट है हमारे और वो अच्छा काम करते थे और वो अच्छे थे उनके ऊपर. फिर ये एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने उनके ऊपर कूड़ा वगैरह डाला. अच्छा ये भी सुना हुआ था बूढ़ी औरत का? जी जी, ये तो मेन पॉइंट होता है सबका, मतलब ये मेन, जिसे मैं कहते मेन कहानी, सबसे आई थिंक ये मोस्ट कॉमन कहानी होगी जितनी मोमेंट्स ने सुनी होगी. बूढ़ी औरत कुड़िया फेंक, कूड़ा फेंकती थी जी, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं करा कहा, और उनका सामान वामान वो अपने ऊपर, मतलब उनको अपने कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे, ये सब चीजें मैंने सुनी थी. दो अलग अलग स्टोरी है. जी जी, और फिर ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया उस टाइम पे कि 9 साल के बच्चे से, मैंने कहा ये क्या सब चीज है. मेरे को भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसा हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये रो. मैं भी बहुत ज्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता. और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं, मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके, क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ कि कैसे बोल दिया उसने, क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफिट के बारे में, बस ये एक पागलपन था. जी ओके, और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात ये जो 9 साल वाली बात थी, अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फॉरेन कंट्रीज में जो लोग हैं जो मुस्लिम, जैसे फॉर एग्जांपल लंदन हो गया, लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत बहुत ज्यादा लोग मुस्लिम हैं, बहुत ज्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहां पे. उनका कुछ अलग ही मतलब वो अपनी ही फिलॉसफी से काम कर रहे हैं कि नहीं, आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है, आयशा की एज 16 ईयर्स की थी, शी वाज 16 ईयर्स. आई वाज लाइक, अब तुम्हें खुद को ये नहीं कंफर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ. लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज पे, पहले खुद वो चीज कंफर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज. चलो मैं मानती हूँ कि ये चीजें मान लो गलत भी हो, मान लो हो गई गलत है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कंफर्म करके आओ वो चीजें, रेफरेंस लेके आओ ना उस चीज का. बिल्कुल, और ये तो इनको, ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर, ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते है. वरना आप देखिए कि जो मेजोरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ 9 साल की थी. जी 9 साल की थी, और फिर ये कंसेप्ट 9 साल, 6 साल की शादी हुई, फिर 9 साल में दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, एंड ये सब कुछ सुनना इट वाज लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से. वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. ये लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती हिताशी जी, कि आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो ये जो मोमिन हजरात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, MBBS किया है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है मोमिन हजरात,
ये इनके समझ में नहीं आती कि गलत चीज है। सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि हम दुनियाई चीजें ज्यादा मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं बढ़ते हैं, ना हम उस चीज को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं, बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलाना मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते। ये कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा, कैसर साहब आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। एग्जैक्टली जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना, तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी जी जी। लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियां माफ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी जी। और दूसरा मैं ये मानूंगी कि बहुत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज्यादा रिलीजन में नहीं घुसते क्योंकि उन्हें पता है, मतलब हम अरे मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर आपको इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे, दाढ़ी टोपी रख के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग 5 टाइम की नमाजें पढ़ रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी है कि हमारे एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, हम लोग उसके बारे में, अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस दिस एंड दैट, तो चीजें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हमें वो चीज अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं, उन्होंने एज अ एग्जाम्पल ऐसा लिया होगा, उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है, ये लॉजिक पहला। तो एक बात बताइए, चलो हम मानते हैं कि चलो एक ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे ये चीज बता दी, औरत आधे दिमाग की होती है, अब इसमें कौन सा एग्जांपल है, अब इसमें आप क्या कहेंगे? तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है, दो औरत एक आदमी के बराबर है। तो ये तो गधे वाली बात हो गई ना, मतलब वो क्या इंसान नहीं है ये? देखो आपको देख के कितने लोगों को मिर्ची लग रही है, ये खातून है, ये भी लिखती है साहिल झूठा हिंदू को लाकर इस्लाम को गाली बुलवाता है, फेक हिताशी को बुलाओ। यही दूसरा कमेंट इनका मैं भी ले रहा था भाई, ये हिंदू नाम जो है वो स्क्रीन नेम रखे हैं, इनका एक्चुअल नाम मोमिना ही है। और टेस्ट हो चुका है, इंडियन लवर तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी, तुम्हारी तो कभी हिम्मत हुई नहीं आके हमसे बात करने की, कमेंट जिहाद करना शुरू। एक अब्बास जी आप अपनी बात करिए। हिताशी जी हाँ। आयशा 9 साल की नहीं थी। अरे फिर आ गया। प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता, ये लोग सिर्फ अपने रिलीजन को डिफेंड करते रह जाते हैं, ना ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना किसी चीज पे। मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, मुसलमान ये नहीं करते, मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए, जब उनको एक ही चीज में बार बार रिपीट होती है उनके साथ वो चीजें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को, बस रिलीजन रिलीजन रिलीजन, पूरी जिंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है, तुम अपने लिए क्या करते हो, तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो, तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ते, रीजन क्या है नहीं पढ़ने का, क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है फिर भी आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, फिर भी आप एक इल्यूजन में, इल्यूजन वाली दुनिया में हो, आपकी खुद की दुनिया बनी पड़ी है, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल आपकी सही बात है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 2-3 वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे, दिमागी अपंग और एक एक वर्ड था यार अभी मेरे दिमाग में आया था भूल गया, एक तो है दिमागी अपंग और दूसरा है क्या वर्ड था यार, अपना को याद दिलाओ, ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल, ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है ये लगता है मोमिन हजरत सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे क्या बोलने का यार।
खैर हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं पढ़ेंगी? आर यू हैप्पी नाउ? सो वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज में गुनाह होता था, ये नहीं करना वो नहीं करना, बट एक वही है जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट अब ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट हाँ वही है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ ये चीज। मतलब अगर एक चीज ये सोची है, अगर मेरा ईमान कमजोर हो रहा था तो कोई तो ऐसा मुआवजा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ जिस चीज को देख के मैं बिलीव कर लूं कि हाँ कि दैट अल्लाह इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल। और ये देखिए कैसर साहब कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ। ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की। वन ऑफ द मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की आफ्टर लाइफ। सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहां से सिस्टम है इसमें? हाँ, तुम्हारे में सिस्टर का कहां से सिस्टम है भाई? तुम मुंह बोली क्या बच्चे की बीवी से तुम शादी कर सकते हो, सिस्टर का कहां कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को तीन चार शादियां अलाउड है, और आदमियों के पास हक भी है कि तीन तलाक दो और दफा करो, औरतों के पास क्यों नहीं है वो चीज? औरतें इंसान नहीं है? अभी आपने सुना होगा एक आईब्रोज वाला केस चल रहा है जो इंडिया में। हाँ, आईब्रो की वजह से तलाक दे दिया ना उसके शौहर ने, किधर गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हाँ सही कहा, तलाक दे दे रहे हैं। उसकी तो जिंदगी एक तरीके से खराब ही कर दी ना उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने। ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे इनको सोचने नहीं, अपनी गलती ही नहीं देखनी है, क्यों देखेंगे गलती वो। बिल्कुल। तो हिताशी जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली, और हम तो आपको यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने, जो भी आप स्ट्रीम चूज करना चाहती है उसमें, पीजीवीजी जो भी आप करना चाहती है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, और जो है इस झंझाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी जी जरूर। पर मेरा एक और रिक्वेस्ट है। जी जी प्लीज गो अहेड। आप ये जितने भी फॉर एग्जांपल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका, मुफ्ती मेंग और एक और है मोहम्मद इजाब, मेरे नहीं मोहम्मद, हाँ मोहम्मद इजाब और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और मतलब आड़ा टेढ़ा शक्ल है ना उसकी। हाँ, क्या नाम है आरी उसका? अभी अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया यार, उसका नाम एंटी के वो अपना यार क्या नाम है यार उसका, वो तो उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन बयाना जो है वो इंग्लिश में देता है। नहीं साहिल अदीम नहीं, यासिर काजी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो, नहीं डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं, वो अलग तरीके से काम करता है, वो है देवबंदी, नोमान अली खान। हाँ, नोमान अली खान। जी थैंक यू देवाचा भाई, नोमान अली खान वो भी एक नंबर का जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट है वो। बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में, उसको यार हमारा प्लेटफॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी हमारा प्लेटफॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं।
उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नुमान अली खान हो, मुफ्ती मेंग हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े बड़े हैं, सलमान अजहरी हो। जी ये तारिक जमील, इनके बयान में सुनती थी, मैंने सुना इनके बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयान देते हैं, सब चीज देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए। अपनी औलाद का क्या बोला आपने? ड्रॉप हो गई, ड्रॉप हो गई है हिताशी जी, ड्रॉप हो गई। यार हिताशी जी के लिए गुलाब भेजने बोला था, आप लोगों ने भेजा नहीं। हिताशी जी के लिए गुलाब भेजो यार, नॉनस्टॉप चल रहा है गुलाब। अच्छा ना, नॉनस्टॉप चल रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप सोचो कि एक, हाँ जी, आप तारिक मसूद के बेटे के बारे में कह रही थी। जी तारिक जमील, हाँ तारिक जमील, सॉरी, हाँ जी 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 जी। एक बात बताइए, तारिक जमील दुनिया को बयान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में, उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया, या फिर उनको बैठा के समझाया नहीं, या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के। उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज सुनती हूँ, क्या वो चीज उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज, ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए कि भाई कुरान, आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का मर्ज निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने सालों से वो ही वॉज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये क्यों कुरान से जो है वो उसको सही नहीं कर पाए? कलोंजी से क्यों नहीं सही कर पाए? एग्जैक्टली। बहरहाल, और उनका शायद उन्होंने गन, वो गन से मरे है ना, हो सकता है उनको मारा भी आओ। बिल्कुल, हमने इस पे एडम साहब ने और दीनी भाई ने बिल्कुल, जी, मैंने सुना है पूरा, हाँ वो रखा था कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जी एडम साहब का मैंने सुना था कि अगर बंदा मतलब उनके सीने में गोली लगी है, मान लीजिए अगर वो सुसाइड भी करता है, उन्होंने फिजिक्स अप्लाई करी कि रिकॉइल पावर होती है गन की, वो उसमें इतनी पावर होती है कि आपका हैंड डिसलोकेट होना चाहिए था ना, जब वो खुद से मार रहा है पूरा घूम के। तो ठीक है, बहरहाल जो भी हो, आई होप वो अच्छी जगह गए हो। हाँ, तो वो तो एक्स मुस्लिम ही थे वैसे, हमको ऐसा लग रहा है उनके बेटे, ना वो दाढ़ी रखते थे तो अब ना कुछ करते थे। तो खैर हिताशी जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये गर्व है कि एक एक्स मुस्लिम डॉक्टर भी है, यानी डॉक्टर बन रही है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक्स मुस्लिम लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो पायलट बने, देश की बड़ी बड़ी नेता बने, सब कुछ बने, बड़े बड़े औहदे पे जाए, और हम एक्स मुस्लिम्स के नाम ऊंचे करें। थैंक यू सो मच हिताशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आयशा भी आई थी ना, वो भी डॉक्टर थे। और हितांशी जी, आपके अंदर में अगर तबलीग वाला कीड़ा है तो प्लीज इसको मरने ना दें, जब भी टाइम मिले ज्वाइन किया करें स्ट्रीम को। जी जी, जरूर जरूर। और अपना चैनल खोल लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी खोल पाए जी, दूसरे वो तो चैनल इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत हिताशी जी, जैसे एंजल जी है, रब्बानी जी है, हकूक सीकर है, अपनी एक्स मुस्लिम दीदी जी है, तो है ऐसे फीमेल चैनल भी। तो आप अगर थोड़ा बहुत, पढ़ाई अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर 10-15 मिनट के लिए भी आप अगर उनके साथ जुड़ेंगी तो एक जो टीम बनेगी ना, तो उससे काफी लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच।